वो देखो वो आ रही है वो गाड़ी, और वो हमारे साथ के को राइडर भी उसी शॉर्टकट से लेके आ रहे हैं जगदीश, जो खतरों के खिलाड़ी हैं, मोड़ पे भी 120 की स्पीड रखते हैं। ये यहाँ से ऊपर से गिरा है, वो देखो क्या हालत हुई है ट्रक की, ये देख सकते हो। इसलिए कहते हैं तेज रफ्तारी कभी मत करें, खासकर ऐसे रास्ते ऊपर, क्योंकि एक बार कोई ड्राइवर था वो प्यास के कारण यहाँ पे मर गया था। सो उसको यहाँ पानी नहीं मिला था, तो उसकी प्यास बुझाने के लिए लोग यहाँ पे पानी की बोतल चढ़ा के जाते। जहाँ जहाँ ब्लैक आइस जमी होगी वहाँ पे तो बहुत आराम से निकालनी पड़ेगी। यहाँ से फिर टूटा रास्ता, और आगे भी लगता है ब्लैक आइस जमी हुई है रोड के ऊपर, और बालाचा पास क्रॉस करते करते शायद हमें दोपहर हो जाए, तो वहाँ थोड़ा शायद बर्फ़ पिघल जाए। अभी यहाँ पे और आराम से चलाना है। सड़क पे देख सकते हो ये है ब्लैक आइस, इस पे तो जितना आराम से चल सकते हो उतना आराम से चलाओ, ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बीच में कितनी आइस जमी हुई है, ये तो काफ़ी आगे तक जमी हुई है भाई। ओहो यहाँ से चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टायर निकले हुए हैं ट्रक वालों के, तो यहाँ पे थोड़ा पानी है जिसके कारण आइस थोड़ी सी पिघल गई है। इसी तरह चलते रहते हैं धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। ओहो और इसी के साथ निकल गए, ये आ गया थोड़ा सा मिट्टी वाला रास्ता, इस पर थोड़ी सी चला सकते हैं आराम से। इस वो देख रहे हो पहाड़ के ऊपर एक रास्ता जा रहा है वो नीचे की तरफ को। लास्ट टाइम 2018 में आया था तो मैंने वही शॉर्टकट लिया था, और उस शॉर्टकट से सीधा नीचे एक ढाबा है, उस ढाबे के पास ही वो रास्ता निकलता है। आपको दिखाता हूँ इसी मोड़ के बाद। देखो मोड़ भी कर्व भी बहुत ही शार्प है, वो देखो वो आ रहा है रास्ता, वो नीचे तक जा रहा है, तो वहाँ से बिल्कुल नीचे तक वो जाता है और वहाँ पे सीधा ढाबे के पास निकलता है। इस मोड़ के बाद दिखाई देगा वो ढाबा, एक बार रुक कर दिखा देता हूँ आपको। वो देखो ये रास्ता गया वो उस ढाबे के पास निकला, तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्टकट पड़ता है, थोड़ा रिस्की है, लेकिन इतना भी रिस्की नहीं कह सकता मैं, क्योंकि तब तो मेरी बाइक 125cc की TVS Phoenix थी, अच्छा परफॉर्म किया उसने भी, माइलेज अच्छी दी, कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में, अभी तक MT में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इंजन की एक लाइट जल रही है, ये समझ नहीं आया किस लिए जल रही है, ये सर्विस सेंटर पे जब जाएंगे तभी पता लगेगा। पहुंच चुके हैं उसी ढाबे के पास जिसकी मैं बात कर रहा था, शॉर्टकट से सीधा आता है ढाबे के पास, और पांग से निकलकर सरचू की तरफ आप जब जाओगे तो आपको मिलेगा रास्ते में रिफ़्रेशमेंट के लिए ये पहला एक ढाबा, उसके बाद नेक्स्ट जो ढाबा मिलेगा आपको मिलेगा सरचू में, ये देख सकते हो। इनके पास रहने की फैसिलिटी भी है, अगर आप रहना चाहते हो तो रह भी सकते हो यहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वो आ रही है देखो एक गाड़ी उसी शॉर्टकट से, कितना शॉर्टकट पड़ता है, कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का ये शॉर्टकट पड़ जाता है। आगे जाके दिखाता हूँ आपको वो गाड़ी, वो देखो वो आ रही है वो गाड़ी, और वो हमारे साथ के को राइडर भी उसी शॉर्टकट से लेके आ रहे हैं जगदीश, जो खतरों के खिलाड़ी हैं, मोड़ पर भी 120 की स्पीड रखते हैं। चलो कोई बात नहीं। सो फ्रेंड्स इसी के साथ एक और पास पे पहुंच चुके हैं, और जिस पास का नाम है नकीला टॉप,
जिसकी हाइट है 15,547 फीट। रुकना नहीं है यहाँ पर, यहाँ से चलना है आगे की तरफ को। ये रहा नकीला, एल्टीट्यूड 15,547 फीट। चलो चलते रहते हैं इसी तरह आराम आराम से अपनी जर्नी की तरफ। देखो ट्रक कितना नज़दीक से है निकला। यहाँ से शायद रास्ता अच्छा है, देखने से लग रहा है ऐसा रास्ता बन गया है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है रास्ता बन गया है तो। नकीला टॉप भी निकल गया, लाचुंगला टॉप भी निकल गया। अब हम उतरेंगे उतराई और हमें दिखाई देगा गत्ता लूप। बताते हैं 22 लूप हैं टोटल, तो चलते हैं, शायद इसी के आगे ही दिखाई देगा हमारे को गत्ता लूप। और अब हम उतराई उतरेंगे और चढ़ाई तो शायद मेरे को लगता है नहीं है अब बिल्कुल भी। और सामने देखो ट्रक आ गया, कितनी सी जगह है, थोड़ी सी जगह है, काफ़ी बचा के निकालना पड़ता है, जगह देनी पड़ती है ट्रक वालों को भी, बहुत ज़रूरी है। ये रोड काफ़ी कंजेस्टेड है और बड़े प्यार से यहाँ से चलानी पड़ रही है। आगे हुआ है एक ट्रक का एक्सीडेंट, आपको दिखाता हूँ मैं ज़रा। लगता है ट्रक की स्पीड तेज़ थी या धीरे थी वो पता नहीं। वो देखो सामने, ये हुआ है ट्रक का एक्सीडेंट। ये यहाँ से ऊपर से गिरा है, वो देखो क्या हालत हुई है इस ट्रक की, ये देख सकते हो। इसलिए कहते हैं तेज़ रफ्तारी कभी मत करें, खासकर ऐसे रास्ते ऊपर। एक तो वैसे ही एक्सट्रीम कंडीशन है यहाँ पे, रोड काफ़ी नैरो हैं, ना तो यहाँ पे कोई मैकेनिक मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान रख के चलाएं, बचा के अपने आप को सेव करके। हम तो चलो फिर भी टू व्हीलर वाले हैं, इनके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, फोर व्हीलर वालों पे इनकी छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है, ये तो आप अच्छे से समझ सकते हो। चलो लैंडस्केप देखिए तब तक आप, कितना ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। पहाड़ में बर्फ पड़ी हुई है, इसी कारण ठंडक है यार यहाँ पर, ठंडी हवा। कल भी हम पूरा दिन अगेंस्ट द विंड चलते रहे और आज भी अगेंस्ट द विंड ही चल रहे हैं, हवा हमारे बिल्कुल ऊपर पड़ रही है सीधा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें साथ मिलना चाहिए था हवा का। पिछले 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है, अगेंस्ट द विंड ही चल रहे हैं हम। चलो कोई बात नहीं, कल तक तो हम घर पहुंच ही जाएंगे आराम आराम से। आज मनाली पहुंचना है, मनाली भी अभी 250 किलोमीटर प्लस है, टोटल 262 किलोमीटर अब तक मैं चल चुका हूं हानले से, और आज 40 किलोमीटर चल चुका हूं मैं। यहां देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, देखो टूटा रास्ता फिर से स्टार्ट हो गया, नहीं बना हुआ है। मनाली है 260 किलोमीटर और सरचू है 38 किलोमीटर। सरचू पहुँच के करते हैं ब्रेकफास्ट, थोड़ी देर बैठेंगे धूप में, रिलैक्स करेंगे, बॉडी को रिलैक्स देंगे, क्योंकि ऑफ रोडिंग करके थोड़ा सा शरीर थक गया है।
सो गाइस, इसी के साथ मैं एक टॉप पे पहुंच चुका हूं और यहां से देखो रोड कैसे दिख रहा है आपको, ऊपर नीचे और कैसे गोल गोल घूम घूम के पहाड़ से नीचे उतरेंगे हम। अब ये उतराई आ गई है, यहां से हम उतराई से उतरेंगे। सरचू यहां से है 35 किलोमीटर। अब सारे जो पैच आएगा नीचे तक, ये सारी उतराई आएगी बिल्कुल नीचे तक। देखो ट्रक कैसे आ रहा है, इनको दे देते हैं पास, इनको ज़्यादा ज़रूरी है पास देना। अब सारी उतराई मिलेगी हमें, ये पूरी की पूरी डाउन द हिल जाएंगे हम आराम आराम से। और वो सामने एक रिवर आपको दिखाई दे रही होगी, उस रिवर का नाम है सरप रिवर, कुछ जाना पहचाना नाम याद आ रहा होगा। जी हाँ, ये वही सरप रिवर है जो कि हमें फुक्टर गोम्पा में मिली थी। करजियाक रिवर के साथ इसका संगम हुआ था पुणे में, और ये वही सरप रिवर है। और ये घूम के उधर से होते हुए अपना फुक्टर गोम्पा की तरफ से पुणे की तरफ आती है। थोड़ा आगे जाऊंगा, नीचे पहुंचूंगा रिवर के साथ, आपको तब दिखाता हूं। और एक इस रिवर की एक खासियत है, इस रिवर का पानी बिल्कुल ब्लू है, स्काई ब्लू की तरह नीला पानी है इसका। सच में मुझे समझ नहीं आया, बाकी जितनी मैक्सिमम रिवर देखी मैंने, सब रिवर्स में पानी थोड़ा मिट्टी वाला थोड़ा नज़र आता था, लेकिन यहाँ पे तो इसका पानी बिल्कुल ब्लू है। और देखो ये कितना खतरनाक वाला रास्ता है यार, नीचे देखते हुए डर लग रहा है। आपको थोड़ा क्लोज से दिखाता हूँ, ये देख लो नीचे कितना खतरनाक वाला रास्ता है। आँखें मेरी बिल्कुल सीधी रोड पर हैं, थोड़ा सा गोप्रो को उस तरफ घुमाया मैंने, आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब सीधा कर लेते हैं, बहुत देर हो गई। काफ़ी डीप स्लोप है ये, और यहाँ से दिखेगा आपको गता लूप स्टार्ट, और यहाँ से गता लूप आपकी हो गई है स्टार्ट, जिसको 22 मोड़ बोलते हैं शायद ये। और ये गता लूप स्टार्ट हो गई है, यहाँ से हम गिनेंगे पूरा मोड़, और आपको इसका पूरे गता लूप का दिखाता हूँ मैं एक खूबसूरत टाइम रैप शॉट। तो बने रहे वीडियो के साथ, इंजॉय कीजिए इस टाइम रैप शॉट को। तो गैस, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है काफ़ी सारी बोतल्स पड़ी हुई हैं। ये जगह इसलिए मशहूर है क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पे आके बोतल्स वगैरह डालते हैं, क्योंकि एक बार कोई ड्राइवर था वो प्यास के कारण यहाँ पे मर गया था। सो उसको यहाँ पानी नहीं मिला था, तो उसकी प्यास बुझाने के लिए लोग यहाँ पे पानी की बोतल चढ़ा के जाते हैं। चलो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको बचा हुआ टाइम रैप शॉट। इन्जॉय कीजिए आप इस टाइम रैप शॉट को म्यूज़िक के साथ। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये गता लूप का ब्यूटीफुल सिनेमैटिक टाइम रैप शॉट? और सामने देखो ये सरप रिवर जा रही है उस तरफ को, और ऐसे ऐसे घूमते घूमते दूसरी तरफ से फुक्टर गोम्पा की साइड से होते हुए आ जाती है पुणे में, मिलती है जहाँ पे उसका पुणे में करजियाक रिवर के साथ संगम होता है। तो इस ब्यूटीफुल सीनरी का तो एक फ़ोटो खींचना बनता है। और देखो वो कहाँ से ऊपर से आए थे हम, वो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे ऐसे कर करके घूम घूम के, ऐसे 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 करके ये अब ऐसे ऐसे घूम के आ रहे हैं, और अभी काफ़ी नीचे और जाना है हमें। तो चलो चलते हैं आगे, और जो बचा हुआ टाइम रह गए गता लूप का शॉट उसको फिर से दिखाते हैं आपको टाइम लैप में।
सो गाइस इसी के साथ गटा लूप का हो गया है एंड, और अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल सरप रिवर के साथ साथ। अब ये जो चढ़ाई और उतराई वाला खेल था वो थोड़ा ख़त्म हो गया है सरचू तक, फिर सरचू के बाद शुरू होगा बालाजा पास की तरफ को। सामने का लैंडस्केप देख सकते हो, क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिख रहा है। सोचा आप लोगों को जरूर दिखाऊं। सरचू यहाँ से 24 किलोमीटर है सिर्फ। देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं। डबल लेन हाईवे, अभी तो सिंगल लेन हाईवे चल रहा है। इसको भी कंस्ट्रक्ट जरूर करेंगे। देखो ऊपर कितनी हाइट तक पत्थर दिखाई दे रहे हैं, कितने खतरनाक वाले पहाड़। और लैंडस्केप बहुत ही प्यारा है ये। देखो सरप रिवर का पानी कितना साफ सुथरा है, बिल्कुल क्लियर पानी, क्रिस्टल क्लियर और बिल्कुल ब्लू कलर का है। और सेम ऐसा कलर आपको मेरे फुक्तर गोम्पा वाले ब्लॉग में देखने को मिला होगा। उम्मीद है आपको ये पीछे जो मेरा आपने सिनेमैटिक देखा था गता लूप वाला हिस्सा, वो आपको पसंद आया होगा। सामने से वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैं उनका इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने लाइट दी, मैं निकलने लगा था, फिर उन्होंने भी निकाल ली। कहाँ थे हम? हाँ, आपने मेरा फुक्तर गोम्पा वाला जो ब्लॉग देखा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। और ये पीछे अभी जो मैंने आपको सिनेमैटिक टाइम लैप्स शॉट दिखाया गता लूप का, उम्मीद है ये भी आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, तो कि इसी तरह आपको अच्छी अच्छी सिनेमैटिक विजुअल मैं दिखाता रहूं अपने इस मोटो ब्लॉग के थ्रू। अब हो गया सीधा रास्ता पांग से सरचू की ओर। बस अब सरचू थोड़ा ही दूर रह गया, 20-25 मिनट में हम सरचू पहुँच जाएँगे, फिर वहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट। तब तक आप इंजॉय करते रहिए ऐसे ही खूबसूरत वादियों को। और यहाँ पे बन रहा है एक और नया ब्रिज। पुराना ब्रिज को बने हुए काफ़ी टाइम हो गया, ये नया ब्रिज बनाएंगे, देख सकते हो। डबल लेन क्योंकि हाईवे करेंगे तो डबल लेन का ब्रिज भी चाहिए। कितना मुश्किल होता है यहाँ पर एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम करना। और सामने देखो पहाड़ की कलाकृतियाँ कैसी बनी हुई हैं। वाओ, ये देखो पहाड़ कैसा बना हुआ है, वो नीचे भी देखो ऐसा लग रहा है कोई महल हो। वाओ, ये देखो, ये देखो और ये देखो, और सामने देखो पहाड़, कितना बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है। ओहो हो, क्या बढ़िया लैंडस्केप है भाई, वाह। अब आगे का लैंडस्केप और भी प्यारा आएगा। और सामने हो चुकी है शुरुआत डबल लेन हाईवे की। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और अब सिर्फ हम 15 से 20 मिनट में सरचू पहुंच जाएंगे। वाओ, क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, बीच में कैसा बढ़िया ये रोड। वाओ, दिल खुश हो गया। चलो ऐसी तरह चलते हैं, मिलते हैं आपको सरचू में। अगर रास्ते में अच्छा लैंडस्केप व्यू आया तो आपको जरूर दिखाएंगे, बने रहे वीडियो के साथ। तो इसी के साथ मैं एक लोकेशन पे खड़ा था और यहाँ का देखो व्यू कितना प्यारा आ रहा है। और ये बह रही है सरप रिवर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सरप रिवर का पानी का कलर बिल्कुल स्काई ब्लू लगता है, कितना प्यारा लगता है। चलो चलते हैं सरचू की तरफ को, सरचू में रुकते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर करते हैं ब्रेकफास्ट वहाँ पर सरचू में। ये देखो क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप था, इसकी मैंने फोटोग्राफ्स ली हैं। उम्मीद है आपको यह लैंडस्केप बहुत प्यारा लग रहा होगा। जो मज़ा आंखों से देखने में है ना, वो वर्चुअली नहीं देखने में इतना मज़ा नहीं आता। देखो लोग बैठे हुए हैं, ये दिन रात
हमारे लिए काम करते हैं यहाँ पे सड़क के ऊपर, जो सड़क पे पत्थर गिरे होते हैं साफ सफाई करते हैं। और कितना मुश्किल है, टफ है यहाँ पे काम करना। यहाँ पे कितनी ठंड है वो मैं महसूस कर सकता हूँ, और फिर भी ये लगे हुए हैं उसमें काम करने इतनी ठंड में। बस सरचू कुछ ही रह गया दूर, इसी के साथ ये आ गया ब्रिज जिसे क्रॉस करके हम निकल जाएंगे सरचू की तरफ। और ये जो ब्रिज बना हुआ है, ये बना हुआ है सरप रिवर के ऊपर, ये आप देख सकते हो नीचे सरप रिवर। और पानी देखो बिल्कुल ब्लू, ये आ रही है उस ग्लेशियर से पिघलते हुए और ऐसे ऐसे करके ये जा रही है आगे पांग वाली साइड को, और ये मिलेगी जाकर फिर पुणे में फुक्तर गोम्पा वाली तरफ से। लगता है इस ब्रिज को भी नया बनाएंगे, सरप रिवर को देख लीजिए आप एक बार। और ये रोड पहले सिंगल होता था, अब ये डबल रोड बना दिया है। क्या बढ़िया रोड बनाया है बीआर वालों ने, वाह। तो गाइस इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं सरचू में, और यहां पे हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलेंगे अपनी आगे की जर्नी की ओर जो कि है मनाली। और रास्ते में आएगा जिंजिंगबार, बालाचा पास, दीपक ताल, सूरज ताल और जिस्पा कैलोंग, वो तो आप देख ही चुके हो। और हमारे लिए जो नया है वो है बालाचा पास, दीपक ताल, सूरज ताल, जिंजिंगबार और दारचा। तो मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद। सो गाइस इसी के साथ हो चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट यहाँ किया था ताज होटल एंड रेस्टोरेंट में। चलो चलते हैं आगे अपनी जर्नी टुवार्ड्स केलोंग और मनाली।